हियरिंग दो चार बार और हो गई तो ये लोग काउंसलिंग पूरी कर देंगे, बच्चों को सीट अलॉट हो जाएगी मेडिकल कॉलेज में। ये बहुत ही गलत फैसला सुप्रीम कोर्ट का। मैं जीनीट की तैयारी करूं या फिर नेक्स्ट ईयर की ड्रॉप की तैयारी करूं, अभी ये क्लियर नहीं हो पा रही है। बच्चों के लिए भी ये काफी अनफेयर रहेगा, उन्हें प्रिपेयर करने का मन नहीं करेगा जो लोग इतने सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं। क्या गारंटी है कि अगले साल भी हो जाए? सुप्रीम कोर्ट के केसेस जो होते हैं वो काफी हियरिंग के बाद आता है, और मेरा ये सोचना है कि अगर हियरिंग दो चार बार और हो गई तो ये लोग काउंसलिंग पूरी कर देंगे, बच्चों को सीट अलॉट हो जाएगी मेडिकल कॉलेज में। अगर सीट अलॉट होती है तो बच्चे वापस आने से कतराएंगे और गवर्नमेंट में नहीं चाहेगी कि उनसे सीट वापस ले। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हियरिंग जल्दी जल्दी और हमें रीनीट जल्दी जल्दी हो पाए। ये बहुत ही गलत फैसला सुप्रीम कोर्ट का। पहली बात तो जब चीजें इतनी खुलेआम है कि घोटाले हुए थे, पटना हाईकोर्ट में दलीलें दी गई थी, पटना पुलिस ने 9 लोगों को पकड़ा था, बहुत सारे प्रूफ थे, सीधा ही रीनीट करवाना चाहिए था, इस पेपर कैंसिल करना चाहिए था, रिजल्ट रद्द करना चाहिए था, आगे की डेट का कोई मतलब ही नहीं था इसमें। तुरंत ही बच्चों को परेशान किया जा रहा है इस तरीके से, बस एजुकेशन सिस्टम को लेकर एकदम कोई भी सीरियस नहीं है। सर हमारी एक लास्ट उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से, जो हमको लगा था कि आज फैसला आ जाएगा, सर उस पर भी कुछ नहीं हुआ। सर अब हम किससे बात करें? अब मुझे ये क्लियर नहीं हो पा रही है कि ये नेक्स्ट हियरिंग अब होगी, अगर फिर वो आगे डेट बढ़ती है तो मतलब मैं रीनीट की तैयारी करूं या फिर नेक्स्ट ईयर की ड्रॉप की तैयारी करूं, अभी ये क्लियर नहीं हो पा रही है तो बस। लेकिन काउंसलिंग पर रोक लगाने से भी इनकार है सुप्रीम कोर्ट का। हाँ, एक अगर काउंसलिंग पर अगर रोक लग जाती है तो फिर हमें थोड़ी सी कुछ रिलीफ होती है, कुछ चांसेस बनती है कि अगर रीनीट हो सकती है। लेकिन अगर जैसे अभी देख रहा हूँ कि काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हो गई है तो हमें तो और मतलब होपलेस हो रहा हूँ कि मतलब कि काउंसलिंग हो गई तो मतलब सीट मिल जाएगी। हमने देखा कि 720 आउट ऑफ 720 67 स्टूडेंट्स के जितने आए थे, तो इससे ये तो साबित होता है कि सब तो डिजर्विंग नहीं होंगे। तो अगर डिजर्विंग कैंडिडेट को सीट नहीं मिलेगा मेडिकल कॉलेज में तो बच्चों के लिए भी ये काफी अनफेयर रहेगा, उन्हें प्रिपेयर करने का मन नहीं करेगा जो लोग इतने सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं। हम खुद 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं नीट के लिए, तो और फ्यूचर नेशन के लिए भी उतना अच्छा नहीं है कि अगर मेडिकल डॉक्टर्स अगर उतने अच्छे नहीं बन पाए तो हम ये चाहेंगे कि अगर रीनीट हो और सुप्रीम कोर्ट इसमें प्रॉपर वेरिफिकेशन करते हुए डिसीजन ले तो बच्चों का फ्यूचर भी सिक्योर होगा और नेशन को भी ऑथेंटिक डॉक्टर्स मिलेंगे। अगर रीनीट नहीं होगा तो काउंसलिंग, अगर उन्होंने काउंसलिंग पर भी कोई स्टे नहीं लगाया, अगर काउंसलिंग कंटिन्यू करने लगेगा तो बच्चों को इन्हीं मार्क्स के साथ आगे जाना पड़ेगा, तो फिर 620 630 वालों को तो कोई कॉलेज अलॉट होगा ही नहीं, क्योंकि इतनी तो गवर्नमेंट सीट ही नहीं है। ठीक है, और हर कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है ना कि अब 630 640 लाख की बच्चा प्राइवेट कॉलेज में लेगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। और फिर उसके बाद अगर अगले साल के लिए भी देखा जाए ड्रॉप लेने का तो कट ऑफ तो उतना ही जाएगा, तो कट ऑफ इतना बढ़ा के कोई मतलब नहीं है ना। और फिर बच्चों को लगेगा इतना मेहनत करने के बाद भी इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या गारंटी है कि अगले साल भी हो। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।